वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ गवार आलू और गवार की फलियों की सब्जी। इसके लिए मैंने कुकर में ऑयल ले लिया है 1 फार्म स्पून। इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी। जीरा क्रैकल हो गया है। अब इसमें 1 बड़ी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था वो ऐड कर दूंगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम। यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं ग्रीन चिली डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे लहसुन को मैंने ठेच लिया है। ये 8 लहसुन की कलियां होंगी। लहसुन को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा ही पकाना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है लहसुन की और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जितना अच्छा लहसुन डालेंगे हम उससे अच्छी सब्जी का टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं आलू और गवार की फलियों को डाल दूंगी। इस सब्जी को हम 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर सब्जी को भूनते हुए 1 मिनट हो गया। अब इसमें मैं चॉप किए हुए टोमेटो डाल दूंगी। ये 2 टोमेटोज हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए और अच्छे से भूनूंगी। रेड चिली पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालूंगी। धनिया पाउडर। नमक टेस्ट के हिसाब से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब मैं 1/2 कप पानी ऐड करूंगी इसमें और इसको सीटी लगा लूंगी। 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे लेंगे और 2 सीटियों को स्लो फ्लेम पे लेंगे। कुकर को ढक्कन लगा के रख दिया है। अब इसको 1 सीटी आने पे हम गैस को स्लो कर देंगे और 2 सीटियों के बाद पकाएंगे। हमारी सब्जी रेडी है। मैंने इसे कुकर का ढक्कन खोल के बस 2 मिनट और पकाना है भून के। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।